हे फ्रेंड्स, चैट जीपीटी ऐप का नोटिफिकेशन को ऑफ करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। आपके डिवाइस पे पहले सेटिंग ओपन कर लेना फ्रेंड्स। ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन दिखा रहा है फ्रेंड्स, वो है मोर सेटिंग का। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा वो है एप्लीकेशन का। कुछ कुछ डिवाइस पर सेटिंग ओपन करने के बाद ऐप्स भी लिखा रहता है, कुछ कुछ डिवाइस पर ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट भी लिखा आता है। तो यहाँ पर मेरे डिवाइस पे चेंज है फ्रेंड्स, नेम थोड़ा सा अलग है, एप्लीकेशन लिखा आ रहा है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपको ऐप्स मैनेजमेंट या जो फिर आ रहा है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे ऑल बता रहा है, मैं ऑल एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लूँगा। और मेरे डिवाइस पे जितना भी इंस्टॉल ऐप है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। अभी आपको चैट जीपीटी ढूंढ के निकाल लेना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे फ्रेंड्स, तो आपको चैट जीपीटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये ओपन कर लेना है, नोटिफिकेशन पर आ जाना है। आने के बाद इसका जो नोटिफिकेशन यहाँ पे अलाउ है फ्रेंड्स, क्योंकि चैट जीपीटी का नोटिफिकेशन कोई काम का नहीं होता है, आप इसको बंद करके रख सकते हो। आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर देना है सिंपली, ठीक है। बंद करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आ जाना है। उसके बाद आपको चैट जीपीटी का अगर नोटिफिकेशन आ रहा था पहले तो आपको नहीं दिखाई देगा, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन करोगे तो कुछ आप चैट जीपीटी का नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो या गाइस।